जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों, आज हम गुरु जी के पास आए हुए हैं और बहुत सी शक्तियों के बारे में आज विचार विमर्श हुआ है। इसमें गुरु जी, एक सवाल हमारा ये भी है जी कि लोग जन कल्याण हेतु अघोर विद्या को सिद्ध करते हैं, अघोरी को सिद्ध करते हैं। जी अघोरी को सात्विक पूजा देना चाहिए कि तामसिक देना चाहिए? अगर तमाम ऐसे वीडियो बने हुए हैं जो अघोरी को तामसिक पूजा देते हैं, अगर जी कोई साधक तामसिक पूजा न दे के सात्विक पूजा अगर देना चाहे तो क्या वो जी दे सकता है? क्या देने के बाद अघोरी जनकल्याण हेतु उसका कार्य करेंगे कि नहीं? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ऐसे भक्त हैं जो संत हैं और उन्होंने तुलसी माला ले रखे हैं और वो भगत हैं, ओझा भी हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि मटन मछली भोग में अघोरी को दिया जाए, शराब दिया जाए भोग में। शराब दिया जाए भोग में। तो अघोरी को सिद्ध करने के लिए आपको, यदि कोई संत है, कोई ऐसा ओझा है, कोई ऐसा तांत्रिक है जो तुलसी माला धारण करते हैं और वो लोगों को जन कल्याण करते हैं, तो वो व्यक्ति यदि अघोरी को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनको अघोरी को सिद्ध करने के लिए सात्विक तरीके से सभी विधि विधान होंगे। जितना सात्विक तरीके से एक देवी, एक देव को पूजे जाते हैं, जी वही प्रकार से अघोरी को पूजा करेंगे और बस एक बोतल दारू उनको देना चाहिए। एक बोतल दारू जो है अघोरी को नाम से अलग दे सकते दे हैं। सकते हैं। तो गुरु जी, क्या सात्विक तरीके से, हम सात्विक तरीके में अघोरी महाराज को क्या भोग दे सकते हैं और क्या शराब का बोतल देना अनिवार्य है? जितने भी अघोरी होते हैं उनके साथ मशान चलते हैं, कई प्रकार की भूतनी, प्रेतनी, डाकनिया चलते हैं, और अघोरी भी दारू लेते हैं। जो अघोरी दारू लेते हैं उनको दारू देना अनिवार्य है। उस चीज को वो समझते हैं कि आप उनको मछली मीट नहीं दे सकते भोग में, क्योंकि आप संत है, तो उनको सिद्ध भी तो करना है, उनको खुश भी तो करना है। तो बहुत ऐसे देव हैं जिनको दारू आज भी चढ़ाए जाते हैं। तो दारू जो है एक द्रव्य की भांति है। जी दारू जो है वो सात्विक तरीके से ही बनाए जाते हैं, उसमें नॉनवेज ऐसा, जीव हत्या ऐसा कुछ होता नहीं है, जी एक रसायन है वो, तो दारू दिया जा सकता है। इनमें उनका जो साधु है, संत जी है, वो साधु संत तुलसी लिए हैं, तो उनका जी विधान भी भंग नहीं होंगे और उनका अघोरी सिद्ध भी तो हो गुरु जी, जाएगा। सात्विक भोग क्या देना चाहिए? क्या अघोरी महाराज को क्या सात्विक भोग दें? जैसे कि आप एक अघोरी को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी अघोरी हो, चाहे गंगाराम अघोरी हो, चाहे मसाराम, मनसाराम हो गए, है ना, कालू राम हो गए, काशीराम हो गए। हाँ, इन प्रकार के अनेकों अघोरी हैं, और कोई संत इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें अड़हुल का फूल भी दे सकते हैं। अड़हुल का फूल ना मिले तो उजला फूल भी देंगे, और उनमें मिठाई, लड्डू, बतासे, मीठा प्रसाद में कुछ भी ले लेंगे, पंचमेवा ले लेंगे, पांच प्रकार की मेवा जो होते हैं हाँ, वो ले पंचमेवा। लेंगे, लौंग इलायची ले लेंगे, ठीक है। यदि आप शमशान नहीं जाना चाहते तो आप एक सुनसान जगह चयन कर सकते हैं, जैसे गुरु जी, नदी का किनारा है, यहाँ कर लीजिए, हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं। नदी का किनार में भी आप कर लीजिए, घाट पर कर लीजिए, क्योंकि वो साफ सुथरा जगह होता है। यदि शमशान नहीं जाना चाहते तो किसी एकांत स्थान का चयन करके
आप अघोरी साधना कर सकते हैं। मोदी जी, एक सवाल इसी में और मेरा है कि क्या अघोर विद्या सिद्ध या अघोरी को हम सिद्ध कर लेंगे तो हमारे जो इष्ट देवियां हैं, जो हमारी कुल देवियां हैं, जैसे कि माँ जगदम्बा, माता काली, क्या इनके साथ ये चल सकते हैं? चलते ही है, जितने भी अघोरी शक्ति है जी जो मरने के बाद अघोरी बने हैं, जी वो पहले भी तो अघोरी ही है, तभी तो मरने के बाद अघोरी है। तो पहले जब वो अघोरी थे, मानव थे, तब वो अनेकों प्रकार के भगवती देवी शक्ति को सिद्ध किए होंगे। इनके बाद वो मरते हैं तो उनके साथ भी ये शक्तियां चलती है साथ में, तो साधक के साथ में भी इस प्रकार की तमाम शक्तियां चलेंगे। जी इनमें कोई वैर भाव नहीं होगा। वो अघोरी जो साधक होंगे, जिनको आप सिद्ध करते हैं, तो वो अपने आप रास्ता जो है देवी देवता को देंगे। यदि बाधित करना है तो बाधित भी कर देंगे, यदि रोकना है तो रोकेंगे भी, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो वो अपने आप रास्ता देवी देवता को देंगे और आपको हेल्प भी करते हैं। मोदी जी, आपने अभी कहा कि हर अघोरी के साथ एक मसान होते हैं, सिद्ध मसान होते हैं, जी तो ये सारा कार्य ये मसान ही करते हैं कि उनके साथ और भी शक्तियां करते हैं? जब हम किसी अघोरी को सिद्ध करते हैं तो अनेकों प्रकार की अघोरी आत्माएं प्रकट होती हैं, जी आने लगते हैं। उनके साथ भूतनी, प्रेतनी, मसान, डाकनी सभी प्रकार के आते हैं। तो जितने भी आज के दिन में अघोरी, एक उदाहरण में ले लीजिए, तो उनके पास मसान होते हैं, भगवती की सिद्धि किए होते हैं, जाप किए होते हैं, और वो जितना भी कार्य लेते हैं वो मसान से ज्यादा लेते हैं। जी और कई लोग जो है हड्डी रखते हैं, जी टिलिया मसान हो गया, मरघटिया मसान हो गया, सैयद का मसान हो गया, जो मुस्लिम धर्म में आते हैं उनका मसान बना करके अघोरी लोग रखते हैं, तो उनसे ज्यादा काम लेते हैं। और जो पहुंचा हुआ अघोरी है वो उनके पास है या नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही काम ले लेंगे। यदि उनके पास मसान नहीं है, तेलिया मसान, सिजद मसान, तो भी वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम अच्छा, है। मोदी जी, मसान किस प्रकार रखना चाहिए इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या असली मसान की पहचान है, मसान को किस प्रकार रखा जाए कि एक साधक की सहायता करें, उसके घर परिवार को परेशानी ना हो, तो इस विषय में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। जी और बहुत अच्छी जानकारी गुरु जी आपने दिया। जो भी भक्त भक्त लोग लोग जो सात्विक साधना करते हैं अघोर विद्या का, अघोरी का, वो इन वो प्रकार लोग से कर इस सकते प्रकार से हैं। कर सकते हैं। और बहुत सूक्ष्म ज्ञान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। जी धन्यवाद। जय माता दी सर।